दोस्तों, आज ज्यादातर मूवीज में आपने पुलिस को बदमाशों के पीछे भागता हुआ देखा होगा। बेशक ये आज एक चलन सा बन गया है अपनी मूवी को हिट करवाने का। एक सीन जिसमें इंजन दहाड़ते हुए चलते हैं, टायर्स अपने निशान पीछे छोड़ते हुए चलते हैं और अंदर बैठा एक्टर ऐसे ड्राइव कर रहा होता है जैसे ये उसकी अंतिम ड्राइव हो। बहरहाल ये तो बस मनोरंजन के लिए बनाई गई मूवीज की बात थी, लेकिन असल जिंदगी में भी आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिसमें अपराधी पुलिस की एक लंबी भागदौड़ करवाता है। इन सभी का अंत कुछ हद तक एक जैसा ही होता है। ज्यादातर मामलों में उनको पकड़ लिया जाता है या फिर कुछ एक में वो अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कमाल की असल जिंदगी में हुई भागदौड़ के उदाहरण बताने वाला हूँ। मोटर होम एंड एनिमल। क्या आपको लगता है कि अगर पुलिस से बचकर भागना हो तो आपको एक दमदार गाड़ी चाहिए होगी? अगर हाँ तो आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक एक मोटर होम यानी कि एक चलते फिरते घर को पुलिस से बचकर भागते हुए नहीं देखा। 52 साल की जूलियन रेनबर्ड नामक ये महिला जिसने चोरी के पैसों से ये मोटर होम खरीदा, लेकिन जब पुलिस को चोरी के बारे में पता लगा तो तुरंत उस महिला को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस निकल पड़ी। लेकिन पुलिस को देखते ही महिला ने रेस का पैडल दबा दिया। वो बस किसी तरह पुलिस से भागना चाहती थी, लेकिन इस भागने के चक्कर में वो अपनी गाड़ी कुछ इस तरह चला रही थी कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उसने टक्कर मारी। जैसे कि सबसे पहले उसने इस पाम ट्री को टक्कर मारी, इसके बाद उसने हाईवे पर अपनी गाड़ी को अंधाधुंध चलाया। ना ही उसने किसी ट्रैफिक लाइट की परवाह करी, ना ही उसने ये देखा कि वो रॉन्ग साइड चल रही है। अपनी आधी टूटी हुई गाड़ी के सहारे जूली बचकर निकलना चाहती थी। एक समय पर आकर महिला के कुत्ते ने सोचा कि वो चलती गाड़ी से कूद जाए, और वो कूद भी गया। इस समय जूली लगभग रुकी गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि कूदा हुआ कुत्ता ठीक से चल फिर रहा है तो उसने फिर से अपनी गाड़ी की रेस दे दी। इसके बाद पता चला कि अभी गाड़ी में एक और कुत्ता मौजूद था, शायद ये दोनों कुत्ते भी उसके चुराए हुए थे। इसके बाद जूली ने दो और गाड़ियों में टक्कर मारी और लगभग उनको सड़क से बाहर फेंक ही दिया था। इतना होने के बाद उसकी गाड़ी ने उसका साथ छोड़ दिया और वो एक जगह आकर जाम हो गई। और फाइनली पुलिस ने उस महिला को पकड़ लिया। डॉग्स की चिंता ना करें, उनको बाद में डॉक्टर्स के पास ले जाकर अच्छे से इलाज करवा लिया गया। इसलिए असली शहद मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ मिलेगा, तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद बिल्कुल प्योर है, मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की गई। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से आपकी चम्मच तक पहुंचता है। इस पे आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भारत से बाहर के देशों में भी भेजा जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। इसे जर्मन की लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया जा चुका है, तो आप इस दादेव हनी को अमेजन या फ्लिपकार्ट से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। GTA। इस भागदौड़ को देखने के बाद हमें एक प्रसिद्ध गेम GTA याद आएगी। बदकिस्मती से मेरे पास इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है कि असल में यहाँ क्या हुआ था, बस जो दिखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस आदमी ने लॉस एंजलिस में एक सफेद वैन चुराई और भागने की कोशिश करी। उसे किसी की गाड़ी को टक्कर मारने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तभी उससे एक गलती हो गई, मतलब उसने अपनी वैन को एक पुलिस की गाड़ी में ठोक दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी वो नहीं रुका, उसने गाड़ी घुमाई और फिर से भागने की कोशिश करी। इसके बाद पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे लगी और कई बार उसकी गाड़ी में पुलिस वाहन टकराए। बेशक अपने आसपास इतनी पुलिस देखते हुए भी उसे लग रहा था कि वो भाग जाएगा। देखिए कैसे वो अंधाधुंध अपनी गाड़ी को और गाड़ियों के बीच से निकालने की कोशिश कर रहा था। ये भागदौड़ काफी देर तक चलती रही। इसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये ड्राइवर कितना जिद्दी है। अब बेशक हर भागदौड़ का एंड ही सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा होता है। उसने अपनी वैन बीच रोड पर छोड़ दी और वो पैदल ही भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो जमीन पर आ गिरा। अब पुलिस को बस उसे गिरफ्तार करना था, लेकिन मेरी ख्याल से पुलिस ने उसे इस तरह से गिरफ्तार करने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर डाली। बेबी एंड ए वुमन। 2018 में टेक्सास पुलिस ने एक कमाल की पुलिस भागदौड़ की वीडियो दुनिया के सामने रखी। कैटली नामक इस महिला ने 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी भगाकर पुलिस से बचना चाहा, लेकिन वो अपनी गाड़ी कुछ इस तरह चला रही थी कि देखने वाले की रूह तक कांप जाए। लेकिन जल्दी ही इसका अंत आया। असल में उसकी मर्सिडीज को पुलिस के खास उपकरणों द्वारा पंचर कर दिया गया और तभी टायर में हवा ना होने के कारण उसने अपनी गाड़ी से संतुलन खो दिया और वो जाकर सीधा एक ट्रक से भिड़ गई। लेकिन रुकिए, अभी अंत नहीं हुआ है। जैसे ही उसकी गाड़ी रुकी, वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और उसने उस गाड़ी से अपने बच्चे को बाहर निकाला और उसे हाथों में उठाकर वो फिर से भागने लगी। मुझे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ
कि जिस गाड़ी को वो इतने गलत ढंग से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रही थी, उस गाड़ी में पीछे एक बच्चे को भी रखा हुआ था। एक चौराहा पार करने के बाद उसने दूसरी गाड़ी चुराने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले पुलिस उसके पास पहुंचने में कामयाब हो गई। बच्चे को सही सलामत पहले गाड़ी से बाहर निकाला गया और उसकी माता को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उस पर पुलिस से बचकर भागने के, गलत ड्राइविंग के और बच्चे की जान को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए। बाद में पता चला कि ये महिला तो पुरानी अपराधी है, और जैसे ही उसकी गाड़ी चेक करने के लिए पुलिस ने उसे रोका तो उसने तुरंत रेस दे दी थी। शोव। अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने जितनी भी भागदौड़ देखी है वो सारी तो किसी मूवी के जैसी नहीं लग रही होंगी, लेकिन ये वाली घटना सच में आपको दिखा देगी कि ये तो कुछ कुछ किसी मूवी की तरह है। ये सब शहर में बारिश के दिन हो रहा था। इन लड़कों ने नीली मस्टैंग उठाई और बस चलते गए। उन्होंने अपनी महंगी गाड़ी से रोड के बीचों बीच कई करतब भी लोगों को दिखाए। वो बस शहर में खुद को फेमस करना चाहते थे। ना सिर्फ वो गैरकानूनी रूप से गाड़ी चला रहे थे, बल्कि वो गाड़ी को रोक रोक कर ड्राइवर से हाथ भी मिला रहे थे। लेकिन तभी उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई। इसके बदले लोगों ने भी उनको खूब सराहा। बेशक इस पूरे सफर में कई सारे खतरनाक मोड़ भी आए, जिसमें उन्होंने अपनी मस्टैंग को दूसरी गाड़ियों में ठोक दिया था। ये पूरा शो सैरिटोज शहर के बीचों बीच चल रहा था और पूरे एक घंटे तक चला। तभी ये लड़के लॉस एंजलिस पहुंचे। अब इन सब का अंत आने वाला था। उन्होंने गाड़ी के बोनेट पर बैठकर लोगों के साथ सेल्फीज ली। इसके बाद इन्होंने चुपचाप बिना कुछ हलचल किए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया चीज कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।